ABPS News। आज हम बात कर रहे हैं गांव की सड़क व्यवस्था की। आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां तक परिवहन व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। अधिकतर किसान अपनी फसल को लेकर व्यापारिक मंडियों तक नहीं पहुंचा पाते और रात दिन खेतों में परिश्रम करने के बावजूद इस परिश्रम का लाभ नहीं उठा पाते। 70 वर्ष बीत गए लेकिन आज भी गाँव में सड़कों की ऐसी हालत है, ना तो पता चलता है कि यह सड़क है और ना ही पता चलता है कि यह तालाब है। ग्राम पंचायत को गणराज्य बनाने का संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव की स्थिति को कैमरे में कैद करके सरकार के सामने लाने का प्रयास कर रही एबीपीएस न्यूज टीम जिला बरेली की तहसील अम्बला क्षेत्र के गांव आसपुर में पहुंची। ग्रामीणों से बात करने के साथ साथ ग्राम प्रधान सुनीता देवी से बात करके विकास कार्यों और सरकार से गांव की अपेक्षाओं पर चर्चा की। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि जितना धन ग्राम निधि से सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार विकास कार्य हो रहे हैं। इस गांव के तहसील मुख्यालय से दूरी 3 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर है। लगभग 4500 की आबादी और 2280 वोटरों के इस गांव में राशन कार्ड धारकों की संख्या 600 ही है, तो वहीं विधवा पेंशन 38 में से 26 लाभार्थियों को ही प्राप्त हो रही है। बात अगर वृद्धा पेंशन की हो तो इसका लाभ 42 लाभार्थियों को ही मिल पा रहा है, जबकि लगभग 32 ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन मिल जाए तो उनके बुढ़ापे की लाठी के रूप में उनका साथ देने में जीवन के लिए अमूल्य योगदान होगा। शिक्षा की बात की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालय में लगभग 385 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गाँव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 52 हैंडपंप लगवाए हैं व 10 हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 14 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 25 स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई हैं। साथ ही साथ गांव में आंगनवाड़ी केंद्र की मरम्मत, 2 खडंजे, सीसी टाइल्स रोड एवं सीसी रोड, प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 30 शौचालयों का भी निर्माण कराया है। वहीं सरकार से इस गांव की मांग है कि उन्हें पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट की बाउंड्री, आंगनवाड़ी केंद्र, बड़ा नाला, जूनियर हाई स्कूल, 65 प्रधानमंत्री आवास तथा 318 शौचालयों का निर्माण कराया जाए। मैं ग्राम प्रधानपति आसपुर गांव में मैंने 4 सीसी कारी, 2 नए खड़ंजे, 4 हैंडपम्प रिबोर, 1 स्कूल प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल, आंगनबाड़ी शौचालय मरम्मत और नाले निकासी पानी के लिए नाला बन रहा है इस समय, और जो जरूरत के लिए हमारे गांव में एक पंचायत घर नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, शमशान की बाउंड्री वाल, सब्दा गृह की आवश्यकता, बारात घर, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। शासन से हम लोगों की ये मांग है। और जो गांव की एक सफाई व्यवस्था के लिए हमारे गांव में कोई भी सफाई कर्मी नहीं टिकता है, बड़ा गांव होने से कोई सफाई कर्मी नहीं आना चाहता है इसमें। ये आवास कोई नहीं आया है हमारे यहाँ अभी तक, आवास की आवश्यकता है, शौचालयों की भी आवश्यकता है। 30 शौचालय आए हैं जिनका मैं निर्माण करा रहा हूँ, जिसमें 15 बन चुके हैं और बाकी बन रहे हैं।